Now, let's find this hypotenuse of this right angle triangle. Name we have given? B यहाँ पे दिया, यहाँ, ठीक है. Now, let's find the length of this hypotenuse in the right angle triangle. In triangle BAC, H square is equal to P square plus B square. वैसे मैंने आपको बताया था क्या आएगा, 14√2 आएगा. ठीक है, चलो फाइंड कर लेते हैं फिर भी. 14 square 196 प्लस 196 कितना आएगा? सी 93. दिस इज द लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज एंड दिस इज द डायमीटर ऑफ द सेमी सर्कल. ये जो आपने फाइंड की है, ये सेमी सर्कल का क्या है? डायमीटर. रेडियस कितना आ जाएगा? 7√2. If diameter is this, radius is equal to 7√2 centimeter. Now, can we find the area of the semicircle by using the formula pi r square by 2? Area of semicircle is equal to pi r square by 2. That is, pi is given. सेंटीमीटर स्क्वायर. अब हमने करना क्या है, ट्रायंगल और सेमी सर्कल का एरिया प्लस करना है, माइनस किसको करना है? क्वाड्रेंट को. ठीक है, कल बताया था आपको ये. राइट डाउन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेमी सर्कल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल. ट्रायंगल कितना था? माइनस, कभी 154 था क्वाड्रेंट का. माधव का पूरा नेम क्या है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसका रीड करो. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16. इन क्वेश्चन नंबर 16 यू हैव गिवन अ स्क्वायर. देखो इधर, फिगर कंप्लीट करने से पहले एक मिनट सुनो इधर. ये जो फिगर है, इसमें ये स्क्वायर गिवन है. आपके पास यहाँ पे सेंटर में डिजाइन दे रखा है, ठीक है, एक पेटल बनी हुई है. हम करेंगे क्या, इस स्क्वायर में से अगर ये क्वाड्रेंट रिमूव कर दें, ये पोर्शन आ जाएगा. ठीक है,
और अगर आप इस तरफ से देखते हो तो ये वाला क्वाड्रेंट अगर रिमूव करते हैं तो ये वाला पोर्शन लेफ्ट आउट है, और अगर इस साइड से देखते हैं ये वाला क्वाड्रेंट रिमूव करते हैं स्क्वायर में से तो ये वाला पोर्शन लेफ्ट आउट है। इसका मतलब, कहने का मतलब ये है कि अगर स्क्वायर में से आप एक क्वाड्रेंट रिमूव कर दो तो आपके पास ये वाला लेफ्ट आउट पोर्शन आ जाएगा, जो यहाँ पे ब्लैंक पोर्शन है, सेम आएगा, चाहे आप ये फाइंड करो चाहे आप ये फाइंड करो। इसका मतलब एक बार फाइंड करने पर अगर आप उसका डबल कर देते हो तो ये जो ब्लैंक पोर्शन दोनों साइड पे है वो आ जाएंगे, ठीक है, यही मतलब है। और अगर आप स्क्वेयर में से ये दोनों ही ब्लैंक पोर्शन माइनस कर दो तो ये पेटल का एरिया आ जाएगा, ठीक है। एक तो ये मेथड है कि आप इस, ये देखो, आप स्क्वेयर में से क्वाड्रेंट रिमूव करो, ये पोर्शन आ गया, उसका डबल कर दो, एक तो ये काम कर सकते हो। नहीं तो आप ये कर सकते हो कि आपने, देखो यहाँ पे, जब आपने ये ब्लैंक पोर्शन का एरिया निकाल लिया तो आप उसका डबल मत करो, ठीक है। आप क्या करो, ये जो क्वाड्रेंट है इतना, उसमें से ये ब्लैंक पोर्शन का एरिया माइनस कर दो, सिंगल एक क्वाड्रेंट के एरिया में से ये जो ब्लैंक पोर्शन आपने फाइंड किया हुआ है ना, उसका एरिया माइनस कर दो, डिजाइन का एरिया आ जाएगा। दो मेथड है, फर्स्ट में तो ये है कि स्क्वेयर के एरिया में से डबल ऑफ ब्लैंक पोर्शन माइनस कर दो, ये और ये दोनों ही माइनस कर दो स्क्वेयर में से। या दूसरा मेथड ये है कि क्वाड्रेंट के अंदर से, ये क्वाड्रेंट था ना, उसमें यहाँ पे डिजाइन था, ये क्वाड्रेंट में से पूरा, मतलब ये वाला जो क्वाड्रेंट है उसमें से ब्लैंक पोर्शन हटा दो, ये पैटल आ जाए। तो दो मेथड है, उसमें स्क्वेयर करना पड़ेगा, उसमें स्क्वेयर नहीं करना। हाँ जी, क्या क्या माइनस करते, ट्रायंगल है ही नहीं ना, ट्रायंगल में से स्क्वायर में से, हाँ ट्रायंगल कहाँ बन रहा है, अच्छा डायगनल बना के, हाँ ठीक है ठीक है, वो भी ठीक है ठीक है। तो आप दोनों में से कोई भी मेथड कर सकते हैं। चलो लिखो एरिया, पहले साइड लिखो, स्क्वायर की साइड कितनी है, 8, साइड 8 सेंटीमीटर, साइड 8 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड इंटू साइड, 8 इंटू 8, दैट इज 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ लेट्स फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट का एरिया चाहिए दोनों ही मेथड से, ठीक है। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट तो फाइंड करना ही पड़ेगा। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट इज 1/4 ऑफ द सर्कल, ठीक है, और यू कैन अप्लाई द फॉर्मूला एरिया ऑफ सेक्टर ऑल्सो, थीटा इज 90, फॉर्मूला विल बी सेम, 1/4, 22/7 इंटू 8 इंटू 8। क्या कह रहे हो, हाँ क्या आएगा, 352/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्वाड्रेंट का एरिया आ गया। अब ये देखो, ये स्क्वायर का एरिया आपने फाइंड कर लिया, ये क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड कर लिया। अगर आप स्क्वायर में से ये क्वाड्रेंट रिमूव कर दो, ये ब्लैंक पोर्शन का एरिया आ जाएगा, ठीक है, ये फाइंड कर रहे हैं इसमें से इसको माइनस करके। अब फिगर आप बना लो और इसको नंबर वन दे दो, यहाँ इसको नंबर वन, इसे नंबर टू, इसे नंबर थ्री। एरिया ऑफ वन, फर्स्ट पार्ट का एरिया कैसे आएगा, इसमें से किसे माइनस करना है, स्क्वायर में से क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या आएगा, नहीं वो क्वाड्रेंट नहीं, ये क्वाड्रेंट है, वन सॉरी 2 + 3 क्वाड्रेंट है और 1 + 3 क्वाड्रेंट है, कितना आ रहा है, 96/7 सेंटीमीटर,
ये एक ब्लैंक पोर्शन का एरिया आ गया। अब हम डबल वाले मेथड से नहीं कर रहे, हम क्या कर रहे हैं, क्वाड्रेंट में से, इस क्वाड्रेंट में से इस ब्लैंक पोर्शन को कर रहे हैं माइनस, पेटल का एरिया आ जाएगा सीधा। ठीक है, डबल मत करो, सीधा ही कर लो एरिया। अब हम फाइंड कर रहे हैं एरिया ऑफ थर्ड पोर्शन। एरिया ऑफ थ्री इज इक्वल टू किसमें से किसे माइनस करेंगे, क्वाड्रेंट माइनस ये ब्लैंक पोर्शन। क्वाड्रेंट कितना है, 352/7 -96/7, करो माइनस। टू फिफ्टी बाय सेवन, ठीक है, ये आपके पास आ गया है एरिया ऑफ पेटल, जो बीच में डिजाइन है ना उसका एरिया। ठीक है, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी। ठीक है, उसके बाद रह गया ट्रायंगल। अभी प्रोबेबिलिटी में भी ये वाला वीक लग जाएगा। जैसे क्वेश्चंस आप लास्ट क्लास में करके आए हो प्रोबेबिलिटी के, वैसे नहीं है, डिफरेंट है। यहाँ पे क्वेश्चन मेथड सेम है, लेकिन क्वेश्चंस की टाइप जरा डिफरेंट है। सेम वैसे क्वेश्चंस नहीं है, अलग तरीके के क्वेश्चन है। कुछ सेम भी होंगे, कॉमन भी होंगे, लेकिन थोड़ा सा न्यू टॉपिक्स भी ऐड हो जाएंगे, मतलब क्वेश्चन की वैरायटी चेंज हो जाएगी। ठीक है, वैसे सेम टाइप के क्वेश्चन नहीं आएंगे। नहीं, राइट डाउन व्हाट डू यू मीन बाय प्रोबेबिलिटी। जनरल लैंग्वेज में प्रोबेबिलिटी क्या होती है, अकरेंस ऑफ एन इवेंट, या अकरेंस क्या, चांसेस ऑफ द अकरेंस ऑफ एन इवेंट। राइट डाउन प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी मीन्स द चांसेस ऑफ द अकरेंस ऑफ एन इवेंट। प्रोबेबिलिटी मीन्स द चांसेस ऑफ द अकरेंस ऑफ एन इवेंट। श्योर इवेंट क्या होती है, दैट इज कंफर्म, दैट इज सर्टेन टू हैपन। ठीक है, राइट डाउन प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट इज वन, चैप्टर 15। प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट इज वन, प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट इज जीरो। प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल मीन्स जो चीज हो ही नहीं सकती उसकी प्रोबेबिलिटी जीरो होगी। द प्रॉब नेक्स्ट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट लाइज बिटवीन जीरो एंड वन। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट लाइज बिटवीन जीरो एंड वन। इवेंट का नेम ई है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज ग्रेटर देन जीरो और इक्वल टू जीरो एंड लेस देन इक्वल टू, मीन्स इट कैन बी इक्वल टू जीरो और इट कैन बी इक्वल टू वन ऑल्सो। इसके बीच में तो लाई करेगी, लेकिन वन से मैक्सिमम नहीं हो सकती, जीरो से नीचे नहीं जा सकती। जीरो से नीचे मतलब इट कांट बी नेगेटिव। ठीक है, तो जीरो मिनिमम, जीरो मैक्सिमम वन, वन से ऊपर नहीं हो सकती ये प्रोबेबिलिटी। इज फाइव, कैन 5/3 बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट कि मोर देन वन। ठीक है, तो मैक्सिमम वन होगी, मिनिमम जीरो होगी। नेक्स्ट लिखो एलिमेंट्री इवेंट। नेक्स्ट डेफिनेशन इज अबाउट एलिमेंट्री इवेंट। ऐसा रीजन किसी भी चीज के होने के चांस, जैसे आपने सपोज करो मॉर्निंग में एक्टिवा स्टार्ट करी, अब या तो क्या हो, वैसे मोस्ट ऑफ द केसेस में एक्टिवा स्टार्ट हो जाती है, कभी रेयर होता है कि नहीं होती,
तो इसका मतलब चांसेस क्या है ज्यादातर कि स्टार्ट हो जाएगी, मतलब एक्यूरेटली आपका काम बन जाएगा, तो इसका मतलब 1 on 1 पॉइंट मिलेंगे आपको, तो इसलिए। और 0 का मतलब है स्टार्ट होगी ही नहीं, तो मतलब कि बिल्कुल कोई चांस नहीं है, ठीक है, तो फिर वो इसलिए 0 होती है। इसके नीचे नहीं जा सकती, मतलब नेगेटिव थोड़ी, क्या नेगेटिव, मतलब हो ही नहीं सकता, कैसे उसके नीचे ठीक करवा लो, या हो सकता है कई बार आप जैसे विंटर्स है, कई बार नहीं स्टार्ट होती, किक से स्टार्ट हो जाती है, और कभी कभी बिल्कुल ही नहीं होती, तो इसलिए नेगेटिव में नहीं जाती कभी भी प्रॉबिलिटी, मतलब मैक्सिमम केसेस में। कहते हैं ना हर चीज का सॉल्यूशन होता है, तो सॉल्यूशन या तो यस में मिलेगा या नो में, तो इसलिए 1 या 0 ही होते हैं, उससे नीचे नहीं जाता। एन इवेंट हैविंग ओनली वन आउटकम, एन इवेंट हैविंग ओनली वन आउटकम इज कॉल्ड एन एलिमेंट्री इवेंट। एन इवेंट हैविंग ओनली वन आउटकम इज कॉल्ड एन एलिमेंट्री इवेंट। इसके साथ ही कॉन्टिन्यूटी में है, द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज, द सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स, द सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज 1। इसका क्या मीनिंग है, बता सकते हो किसकी बात कर रहे हैं? आपने कोई एक्सपेरिमेंट किया, बोलो प्रभु। इसका, हाँ, इसका एग्जाम्पल है, सपोज आपने एक कॉइन टॉस किया, आपके पास हेड आएगा या टेल आएगा? 1 कॉइन टॉस किया, हेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1। टेल की प्रोबेबिलिटी, तो ये डिफरेंट, ये एलिमेंट्री इवेंट है ना, हेड आया तो हेड का टेल के साथ कोई रिलेशन नहीं है, हेड आया मीन्स हेड ही आया, उसका टेल के साथ कोई लेना देना नहीं है, ये एलिमेंट्री इवेंट है ये भी। द सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज ऑफ द एलिमेंट्री इवेंट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, ऑफ एन एक्सपेरिमेंट का मतलब है एक्सपेरिमेंट तो एक ही था ना, एक कॉइन टॉस किया या ये आएगा, ये दोनों का सम क्या होगा? हाफ प्लस हाफ क्या होता है? 1। ऐसे ही आपने डाइस थ्रो की, 1 2 3 4 5 6, ये नंबर्स आ सकते हैं। 1 की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/6। इसकी प्रोबेबिलिटी इंडिविजुअली सारी एलिमेंट्री इवेंट है, अगर 1 आया तो उसका 3 के साथ या 4 के साथ कोई रिलेशन नहीं है, तो हर एलिमेंट्री इवेंट का जो सम होगा प्रोबेबिलिटीज का वो क्या होगा? 1 होगा, और है तो ये एक ही एक्सपेरिमेंट ना, तो इनकी प्रोबेबिलिटीज का जो सम होगा दैट इज ऑलवेज, ठीक है। लिखो नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट इज 1, ये क्या है? ये भी किया हुआ है आपने, हाँ, ये कौन सी इवेंट है? कॉम्प्लीमेंट्री, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, ये किसी चीज के होने के चांसेस हैं, अकरेंस के चांसेस है, ये नॉन अकरेंस है, या तो अकर होगी कोई चीज या नहीं होगी, तो दोनों का सम क्या आएगा? 1। जैसे मैंने आपको कहा प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, हेड का मतलब है हेड की चांसेस, टेल का मतलब क्या है? मतलब नॉट हेड, टेल का मतलब क्या है? टेल आया मतलब हेड नहीं आया, या क्या कह सकते हैं? नॉन हेड, हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं। अभी ये हेड की लैंग्वेज में लिखा, आप टेल की लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन टेल, ठीक है, तो उसका आंसर भी बन ही आएगा। इसका मतलब ई इज द एलिमेंट्री इवेंट दैट इज रिलेटेड टू हेड, और ई नॉट का मतलब है दैट इज नॉट रिलेटेड टू नॉन हेड, मतलब टेल है, ठीक है। तो ये और ये एक ही बात है, लेकिन यहाँ पे सिंपल ई की लैंग्वेज में लिखती है, मतलब किसी चीज के होने के या ना होने के चांसेस जो है इनका सम हमेशा 1 होगा। ये लिख लिया आपने, इसके साथ लिखो, इसी के साथ लिखो कॉन्टिन्यूटी में, वेयर ई एंड ई बार, ई नॉट जिसे कहते हैं, वेयर ई एंड ई नॉट, ई नॉट, ई नॉट का मतलब है ई के ऊपर बार जो है, आर कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स,
वेयर ई एंड ई बार आर कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स, ई बार का मीनिंग लिख लो, वेयर ई बार इज नॉट ई, वेयर ई बार मीन्स नॉट ई, ठीक है। कार्ड्स के बारे में कुछ पूछना है आपने, आपको पता है 52 कार्ड्स होते हैं, 52 में से हाफ रेड और हाफ ब्लैक होते हैं, ये कौन? फिफ्टी टू कार्ड्स हैं, इसमें से 26 कार्ड्स रेड हैं और 26 ब्लैक हैं। जो रेड कार्ड है इसकी भी दो कैटेगरी है, कौन सी? हार्ट एंड डायमंड, हार्ट एंड डायमंड 26 हैं, 13 हार्ट के हैं, 13 डायमंड के। ऐसी ब्लैक में भी दो कैटेगरीज है, कौन सी? स्पेड एंड क्लब, ठीक है, 13 13 कार्ड्स, क्लियर है ये? जो स्पेड और क्लब हैं ये ब्लैक हैं, क्योंकि ब्लैक की कैटेगरीज है तो दोनों ब्लैक होंगे। डायमंड और हार्ट जो है वो रेड की कैटेगरी है तो दोनों ही रेड होंगे, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड स्पेड जीरो, क्योंकि स्पेड है ही ब्लैक, तो रेड कहाँ से लाएंगे? जीरो होगा, ठीक है। अब देखो इधर, जो ये 13 कार्ड्स है ना, ये 13 13 सारे मिला के 13 4 52 बनते हैं, फोर कैटेगरीज है ना, तो 13 4 52 बनते हैं। ये जो 13 कार्ड्स हैं इसमें 1 से लेके 13 नंबर के सारे कार्ड हैं, 1 से लेके 13। 1 नंबर का कार्ड कौन सा होता है? एस का, मतलब 1 नहीं होता, उसको एस कहते हैं, जिसपे ए लिखा होता है। उसके बाद 2 नंबर का कार्ड होता है, 3 का होता है, कहाँ तक नंबर्स होते हैं? 10 तक। और 11 12 13 क्या होता है? पहले क्या आता है? पहले जैक आता है, ठीक है। 11 नंबर का कार्ड जे होता है, उसके बाद 12 नंबर का और किंग 13, ठीक है, जे क्यू के, ठीक है। मतलब नंबर्स वाले कार्ड जो है वो 2 से लेके 10 तक हैं, बाकी पे 4 अल्फाबेट आएंगे, ए जे के और क्यू, वो नंबर्स हैं 11 12 13। और जो ए नंबर का कार्ड है वो 1 नंबर का कार्ड है, जिसको एस कहते हो। अब आपसे एस पूछा जाए तो एस जो है वो सबके अंदर 1 1 कार्ड है, तो एस के टोटल कितने कार्ड हो गए? इसका मतलब हर नंबर के 4 कार्ड है, क्योंकि सबके अंदर एक एक कार्ड सब नंबर का है। जैसे 2 नंबर का कार्ड है, तो 2 नंबर का कार्ड हार्ट में भी है, क्लब में भी, स्पेड में भी, डायमंड में भी, तो 2 नंबर के भी 4 कार्ड है। इसका मतलब हर नंबर के 4 4 कार्ड है। अगर आपसे पूछा जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर 10, 4 कार्ड होंगे, 4 अपॉन 52। प्रोबेबिलिटी ऑफ 10 ऑफ स्पेड, स्पेड में से 10 नंबर का कार्ड, एक ही है ना स्पेड में, तो एक ही है, तो 1 अपॉन 52। क्योंकि जब भी क्वेश्चन आपके पास लिखा होता है उसमें ये लिखा होता है ए कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ वेल शफर्ड कार्ड्स, ठीक है, फ्रॉम अ पैक ऑफ कार्ड्स, तो वहां पे टोटल जो आएगी, टोटल आउटकम्स, वो हमेशा 52 होंगे। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है अरियांश? प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला ठीक है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक है। फेवरेबल मतलब जिसकी आप बात कर रहे हो, टोटल में तो सारा कुछ ही आना। अब इसके बाद किंग जो है वो भी 4 है। अब हर नंबर के 4 कार्ड है, जैसे 2 नंबर के 4 कार्ड्स हैं, इसमें से 2 ब्लैक होंगे 2 रेड होंगे। के जो है किंग, किंग के भी 4 कार्ड्स हैं, इसमें से 2 ब्लैक होंगे और 2 रेड होंगे, ठीक है। हर नंबर के 2 2 कार्ड्स आएंगे, 2 ब्लैक 2 रेड, कार्ड्स तो 4 हैं इसमें से, लेकिन 2 2 डिवाइड हो जाएंगे। फेस कार्ड में क्या क्या आता है? किंग, जैक और क्वीन, 4 4 4 कितने हो गए? 12। तो फेस कार्ड है आपके पास 12, इन 12 फेस कार्ड में से हाफ रेड है हाफ ब्लैक है, तो 6 ब्लैक फेस कार्ड है, 6 रेड फेस कार्ड है, ठीक है। क्वीन कितनी है? 4,
फोर में से दो ब्लैक हैं, दो रेड है, ठीक है। तो हर कार्ड के जो है वो आपको डबल डबल कलर मिलेंगे, जैसे दो ब्लैक होंगे दो रेड। फेस कार्ड जो है वो टोटल सिक्स हैं, दो किंग में से रेड आ रहे हैं, दो जैक में से रेड, दो क्वीन में से रेड, तो टोटल सिक्स रेड हो गए, सिक्स ब्लैक हो। और कुछ पूछना है आपने इसमें? एस, एस के भी फोर कार्ड होते हैं, दो ब्लैक दो रेड। नेम, हाँ जी, ए नंबर वाला कार्ड जिसपे ए लिखा होता है, दो ब्लैक दो रेड। हर नंबर के दो दो कार्ड होते हैं, टू नंबर के भी फोर कार्ड होते हैं, दो ब्लैक होते हैं दो रेड होते हैं, ठीक है। जोकर काउंट होता है? काउंट ही नहीं होता, जब होता ही नहीं, यहाँ जब है ही नहीं, हम काउंट नहीं करते। इन 52 कार्ड्स में नहीं आता वो, 52 कार्ड्स में नहीं आता वो, अलग से है, वो अलग होता है, वो तो आप पहले ही खेलने से पहले ही बाहर कर देते हो, तो वो इन 52 कार्ड्स के का पार्ट नहीं है, तो प्रोबेबिलिटी की तो बात ही नहीं है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी इन्हीं 52 कार्ड में से आएगी। अगर आप इसमें जोकर को इंक्लूड करते हो ना, तो टोटल आउटकम्स भी तो इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। वो हम करते ही नहीं है, क्योंकि कहते ही है 52 कार्ड्स में से निकालना है, तो जोकर है ही नहीं, दो होते हैं। हाँ ठीक है, करवा देंगे। एंड का मतलब होता है कॉमन, जैसे मैंने आपसे पूछा रेड एंड किंग, रेड एंड किंग, रेड भी होना चाहिए किंग भी होना चाहिए, 2/52 मतलब दोनों में कॉमन। किंग कितने होते हैं? फोर। रेड कितने होते हैं? इनमें से रेड कितने हैं? टू। तो दोनों में जो कॉमन है वो 2/52 आएगा। और का मतलब होता है दोनों इवेंट्स को प्लस, कॉमन वाला माइनस। और का मतलब ये होता है, जैसे अभी आपने, मैंने आपसे पूछा रेड और, पहले एंड पूछा था ना, अब है रेड और किंग, रेड और किंग। अब रेड कितने होते हैं? 20। रेड कार्ड कितने होते हैं? किंग कितने होते हैं? इन दोनों में कॉमन कितने हैं? इसको माइनस, ठीक है। और का मतलब ये होता है दोनों की अलग अलग प्रोबेबिलिटी माइनस कॉमन, इंटरसेक्शन जो होती है दोनों के कॉमन पार्ट वो रिमूव कर देती है। और जो एंड होता है वो सिर्फ कॉमन होता है। एंड का मतलब है ये वाला, कॉमन वाला, ठीक है। कोई बात नहीं, क्वेश्चन करेंगे इसका क्लियर हो जाएगा आपको। अब ये तो था बेसिक, हाँ जी बोलो, वो भी करवा देंगे। 10 कार्ड्स आते हैं उसमें, एक्चुअली कई बुक्स में उसमें जो पहले 10 कार्ड है वो लिए हुए हैं, किसी किसी बुक में चेंज है, तो वो चेक करना पड़ेगा, अगर आपके सिलेबस में होगा तो करवाएंगे। अभी 2-3 साल पहले ही जो था, एक बार हमने करवाया था ये, लेकिन काफी सारी बुक्स चेक की थी और नेट पे भी अलग अलग आंसर भी बना है, तो कोई श्योरिटी नहीं है कि कौन सा करेक्ट है। किसी किसी में 10 लिया हुआ है, किसी में 12 लिया हुआ है, तो चेक करके बताएंगे, अगर होगा सिलेबस में तो डिस्कस करेंगे, अदरवाइज आपको वैसे नहीं मिलेगा वो, ठीक है। आप नेट पे सर्च करोगे तो आपको डिफरेंट डिफरेंट मिलेंगे, डिफरेंट साइट पे डिफरेंट आंसर है, चेक करके देख लेंगे, मैं बता दूंगी आपको, 1-2 दिन में बताऊंगी। लिखो, अब देखो इधर जो बेसिक कंसेप्ट है वो यही है, इसमें क्वाइन का, डाइस का, और ये हो गए कार्ड्स का, ठीक है, जो आप पहले से करते आ रहे हैं। अब इसके बाद जो है ना, जो बुक में एग्जाम्पल्स हैं वो थोड़े डिफरेंट टाइप के हैं, तो बुक के क्वेश्चन जो है पहले वो करने हैं आपने अच्छे तरीके से, क्योंकि वो डिफरेंट है, वो आपने अभी तक नहीं किए हुए। 9th तक जैसे क्वेश्चन आप करके आए हो वैसे नहीं है, अलग है यहाँ पे क्वेश्चन। देखो स्टार्ट कर रही हैं क्वेश्चन, 1 मिनट, ये साथ ही शुरू क्यों हो जाते हैं? एक्सरसाइज स्टार्ट करो। फर्स्ट में ब्लैंक्स हैं, फर्स्ट क्वेश्चन ब्लैंक्स का है, जो अभी डिस्कस किया है ना, जितना भी जनरल वही है, करो ब्लैंक्स अपने आप। इसके सारे एग्जाम्पल्स करने इंपॉर्टेंट है, जब आप रीड करोगे ना आपको पता चलेगा कि डिफरेंट है बिल्कुल, आपने पहले नहीं किए होंगे, इसलिए आज आपने इसके जो फर्स्ट 6 एग्जाम्पल्स 7 एग्जाम्पल्स करने हैं आज घर जाते, टोटल इसके 13 एग्जाम्पल्स हैं, 7 आज कर लो बाकी कल कर लेना। द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट ई प्लस ई नॉट इज 1, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट कैन नॉट हैपन इज, एंड सच इवेंट इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट। नेक्स्ट इज, प्रोबेबिलिटी
प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन इज वन एंड दे आर कॉल्ड श्योर इवेंट और सर्टेन इवेंट ऑल्सो. श्योर मीन्स सर्टेन इवेंट भी कह सकते हैं, लिखा हुआ ना दैट इज सर्टेन टू हैपन, तो दे आर कॉल्ड सर्टेन इवेंट ऑल्सो. द सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज वन. इसका एग्जाम्पल अभी आपको दिया था, हाफ प्लस हाफ या वन बाय सिक्स प्लस वन बाय सिक्स, सिक्स टाइम्स करोगे तो सिक्स बाय सिक्स आ जाएगा, दैट इज वन. द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो बट लेस देन और इक्वल टू वन. क्वेश्चन नंबर टू, ये आप आज रीड करके आना, कल आप बताओगे क्या है इसका. इसमें ये बताया हुआ इक्वली लाइकली इवेंट, जैसे एग्जाम्पल है इसका, जैसे आपने क्वाइन थ्रो किया, हेड और टेल के इक्वल चांसेस आने के, तो इन्हें कहते हैं इक्वली लाइकली इवेंट. ठीक है, अब जैसे डाइस थ्रो किया आपने, उसमें वन टू थ्री फोर सिक्स नंबर्स हैं, सबके आने के इक्वल चांसेस हैं, तो इक्वली लाइकली इवेंट है. ठीक है, अब जैसे सपोज करो आपने स्कूटर स्टार्ट किया, एक्टिवा जो भी स्टार्ट की, उसमें दोनों के स्टार्ट होने या ना होने के इक्वल चांसेस हैं? नो, क्योंकि मैक्सिमम केस में स्टार्ट हो जाती है, डेली आप आते हो, कभी रेयर ऐसा होता है मंथ में कि कभी एक बार नहीं स्टार्ट हुई, तो वो इक्वली लाइकली नहीं है क्योंकि उनके इक्वल चांसेस नहीं है. ठीक है, तो मैक्सिमम के चांस ये है कि स्टार्ट हो जाएगा, और बहुत रेयर चांस है, मतलब 0.009 प्रोबेबिलिटी है कि वो स्टार्ट नहीं होगी, मतलब उस नेग्लिजिबल एक तरह के केस है कि नहीं स्टार्ट होगा. ठीक है, तो वो वाली जो इवेंट है वो इक्वली लाइकली इवेंट नहीं है, जो स्कूटर का एग्जाम्पल दिया. तो इसी बेस पे आपने ये क्वेश्चन नंबर टू के फोर पार्ट है ये रीड करने हैं. सेम यही पूछा हुआ है कि इक्वली लाइकली इवेंट्स हैं या नहीं है. जैसे सपोज करो एक मैंने आपको स्टेटमेंट दी, मैंने आपसे पूछा ट्रू है या फॉल्स है, ट्रू है या फॉल्स है, तो इक्वल चांसेस है ना आने के, ट्रू भी हो सकती है फॉल्स भी हो सकती है, तो इक्वली लाइकली है. ये थोड़ी ज्यादा चांसेस ट्रू आने के हैं, ऐसा तो नहीं है फोर फाइव ब्लैंक्स आ गए या फोर फाइव ट्रू फॉल्स आ गए, तो उसमें सबके इक्वल चांसेस है कि किसी का आंसर ट्रू भी हो सकता है, 50-50 चांस है दोनों के कि फॉल्स भी हो सकता है. तो ये वाली टाइप की इवेंट जिस जो है जिनके इक्वल चांसेस है आने के, वो इक्वली लाइकली होंगे. ठीक है, ये जो एग्जांपल दिया है ये आपको दिया हुआ है, थर्ड पार्ट है, ए ट्रायल इज मेड टू आंसर ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन, द आंसर इज राइट और रॉन्ग, तो ये इक्वली लाइकली है, ट्रू भी हो सकता है फॉल्स भी हो सकता है. ये तो आपने क्वेश्चन की बात करनी है, स्टूडेंट की बात नहीं करनी, वो तो पर्टिकुलर केस हो गया.